प्रत्येक चरण में सुनिश्चित वर्ण है, प्रत्येक छंद की परिभाषा में यही है कि छंद में प्रत्येक चरण में इतने वर्ण होंगे। अगर कोई विषम वर्णिक छंद है तो अलग अलग वर्ण भी हो सकते हैं, सम वर्णिक है तो चारों चरणों में समान हो सकते हैं, ठीक है। और अगर दो चरण में समान है, दो में भिन्नता होने की वजह से एक और तीन अर्थात चरण प्रथम और तृतीय और द्वितीय और चतुर्थ इस प्रकार से भी समानता होती है, ऐसे मात्रिक छंद के अंतर्गत भी हम पहचान करते हैं और मात्राओं की गणना करते हैं। और मात्राएं होती है लघु गुरु वर्ण विचार से। लघु गुरु वर्ण विचार से हम तात्पर्य रखते हैं कि जो स्वर है उन स्वरों में कौन सा लघु स्वर है, कौन सा गुरु स्वर है। तो लघु स्वर के उच्चारण में एक पल का समय लगता है और गुरु के उच्चारण में दो पल का, बाकी दो से अधिक जो हम जिसको हम प्लुत कहते हैं उसका यहाँ प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें छंदों में प्रवेश करने के लिए लघु गुरु वर्ण विचार, गण विचार, यति गति विचार इन पर चर्चा करने के बाद ही हम किसी श्लोक में छंद की पहचान कर पाते हैं, ठीक है। अब हम प्रवेश करते हैं कि कैसे पहचान करें। सबसे पहले हम लघु गुरु वर्ण विचार की बात करते हैं। लघु और गुरु तो स्वरों की जानकारी तो आप सभी रखते हैं, संस्कृत में कुल स्वर पाणिनि शिक्षा के अनुसार नहीं जाते।